अष्टपैलू अभिनेता मनोज वाजपेयीनं सत्यमेव जयते मध्ये साकारलेल्या DCP शिवांशच्या भूमिकेचं सगळीकडेच कौतुक होत आहे. आता मनोज पुन्हा एकदा वेगळ्या भूमिकेत दिसणार आहे. कोणता आहे हा मनोजचा सिनेमा? सत्यमेव जयते आणि गोल्डमधला वॉर टाळता आला असतं का? आणि ह्या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं आम्ही जाणून घेण्याचा प्रयत्न केलेला आमचे प्रतिनिधी कपिल देशपांडे यांनी. छोटी मछली बहुत पकडली, अब मगरमच्छ पकडने की बारी. कानून को हाथ में लेने का हक सिर्फ कानून के हाथों को होता है. हम खाकी वर्दी वाले उसे खाक में मिलाएंगे. इस साले को छोड़ना नहीं. सरकारी रिवॉल्वर की गोली में आज भी बहुत दम है, तो बचेगा नहीं. रोक कर दिखा. रोकूंगा भी और ठोकूंगा भी. मनोज सर, खूब खूब स्वागत है. पहिला सवाल तो, हे सत्यमेव जयतेने 5 दिनों में 50 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस कर लिया है. 60 करोड़ का किया है. और नहीं, मेरे लिए सबसे बड़ी बात है, पैसे से ज़्यादा मेरे लिए सबसे बड़ी बात है कि जो मिलाप जवेरी ने बनाना चाहा, जिस चीज़ में उसका विश्वास था और जिस विश्वास के साथ उसने हम सबको लिया, वो विश्वास काम आया. और मैं मिलाप जवेरी के लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि फाइनली इंडस्ट्री ने उसको स्वीकार किया. फाइनली उसको वो मकाम मिला जिसको वो बहुत दिनों से चाह रहा था. तो इसको लेकर मुझे बहुत खुशी है. म्हणजे आपण जर का मागचा जर का 4-5 वर्षांचा काळ बघितला, तर असा मसाला सिनेमा आला नव्हता. तो सिंगल स्क्रीन थिएटरला पण चालतोय, तेवढ्याच जोरात मल्टिप्लेक्सला पण चालतोय. आणि तो सिनेमा बघताना डायलॉग असेल, ॲक्शन असेल, टाळ्या आणि शिट्ट ऑडियन्सच्या येत आहे. तर याचे क्रेडिट कुठे ना कुठे मिलाप जवेरींना जातं. हा, मिलाप जवेरी को ही सारा क्रेडिट मिलाप जवेरी को जाता है, क्योंकि जिस तरह की फिल्म उन्होंने बनाई है, वो शुरू में उनको उस तरह की रिस्पांस नहीं मिल रहा था. लेकिन जॉन, मैं, फिर उसके बाद आया निखिल अडवाणी, इन सब लोगों, हम सब लोग उनके विश्वास के साथ गए. और अंत में ये पता चला कि मिलाप जवेरी जो जितनी सारी बातें कर रहा था फिल्म को लेकर के, वो सारी चीज़ें साबित हुई हैं. इंडस्ट्री ऑडियंस जो है वो ठीक उसी तरीके से रिएक्ट कर रही है जैसा कि मिलाप जवेरी सोच रहा था. इसका मतलब कि उसके पास में समझ बहुत ज़्यादा है जब कमर्शियल फिल्मों की बात आती है. तो मनोज सर, हे वर्ष जर का बघितलं, खूप खास आहे, वेगवेगळे सिनेमे तुमचे आलेत. तर बागीमधला ACP अजय शेरगिल असेल किंवा सत्यमेव जयतेमधला DGP शिवमणी, तर दोघं जरी पोलिसाची व्यक्तिरेखा असली तरी दोघांना शेड्स वेगवेगळे होते. तर ह्या टप्प्यावरती एक अभिनेता म्हणून हे सगळं कितपत एन्जॉय कर. तुम्हारा कुछ बचेगा नहीं. वो कहावत सुनी है, एक सड़ा हुआ आम पूरी बेटी को बर्बाद कर देता है. सर, एक सेल्फी हो जाए ये यादगार बनाने के लिए. खुद की ले रहे हो? दूंगा भी सर. नहीं, सारे सबको एंजॉय करता हूँ मैं. अगर आपको DCP शेरगिल अच्छा लगा, क्योंकि नेगेटिव किरदार था, वो लालची आदमी था, वो किसी का भी अच्छा नहीं चाहता था, वो इस तरह का किरदार था. और हमारे जो शिवांश राठौर हैं सत्यमेव जयते का, वो बहुत ही चेयरफुल आदमी है, फैमिली वाला आदमी है. वो पुलिस की ड्यूटी में बिलीव करता है, पुलिस डिपार्टमेंट में विश्वास रखता है. तो दोनों अलग अलग ढंग के किरदार हैं और दोनों को मुझे एक्टिंग करने में मज़ा आता है, किरदार कुछ भी हो. जब किरदार अच्छा मिल जाता है, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, उसको करने में बहुत मज़ा आता है. और दूसरी बात यह है कि मैं शूटिंग जब करता हूँ तो बहुत ही इन्जॉय करके करता हूँ. कमर्शियल फिल्मों में खास करके बहुत इन्जॉय करता हूँ. एक दूसरे की टांग खींचना, एक दूसरे से हंसना, खेलना, बातें करना, मुझे ये सब बहुत अच्छा लगता है. आता तुमच्या चाहत्यांना कमर्शियल ट्रीट दिली आहे, पण लवकरच एक असा तुमचा सिनेमा येतोय जेने आतापर्यंत अनेक पुरस्कार पटकवले आहेत. गलीगुरिया एक वेगळा सिनेमा आहे आणि त्यात पुन्हा एकदा मनोज वाजपेयींचा वेगळा अंदाज त्यांच्या चाहत्यांना दिसणार आहे. तर नेमका हा सिनेमा कसा आहे आणि रिलीजच्या आधीच अनेक पुरस्कार सिनेमाने पटकवले, तर कसं वाटतं? उस लड़के को पीट रहा था यार, लेकिन इस साले कैमरे कुछ पकड़ ही नहीं पा रहे. पड़ोसियों अगर पता चल गया तो? पहले को नहीं चाहता तू यहाँ रहे. जी, डर लगता है कि अगर मैंने उसकी मदद नहीं की तो उसे कुछ हो जाए. देखिए, गली गुलियां
23 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जा चुकी है, और कोई छोटे मोटे फिल्म फेस्टिवल में नहीं, दुनिया भर में जितने इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स के नाम हैं उनमें से अधिकतर में ये फिल्म जा चुकी है। वहाँ पे बहुत सारे अवार्ड लिए हैं, मुझे भी बहुत सारे अवार्ड मिले हैं। अब फाइनली हमारे हिंदुस्तान में 7 सितंबर को रिलीज़ हो रही है। उसका जब ट्रेलर रिलीज़ किया हमने और जिस तरह का रिस्पॉन्स मिला है वो बहुत ही इनकरेजिंग है, ओवरवेलमिंग है। और जो हम लोग सोच रहे थे कि एक बहुत ही छोटी रिलीज़ देंगे, लेकिन अब हम स्क्रीन बढ़ाते जा रहे हैं और थिएटर ओनर्स जो हैं वो चाहते हैं कि हम रिलीज़ को और ऐसा बढ़ाते जाएं। तो ये एक सरप्राइजिंग है, ये एक मिरेकुलस है जो हो रहा है इस फिल्म के साथ में। और अब हम बहुत सारे दोस्त हैं आसपास के, वो मदद करने को तैयार हैं, तो हम जितनी अच्छी रिलीज़ हो सके इस फिल्म को देना चाहेंगे। या सिनेमाशी अजून एक वेगळं आहे नातं आहे, कारण सत्यमेव जयतेमध्ये अमृता खानविलकर जिने तुमच्या बायकोची भूमिका केली होती, तिचेच मिस्टर हा सिनेमा को प्रोड्यूस करताय, तर त्या दीजी हिमांशु मल्होत्रा जो हैं, अमृता खानविलकर का हस्बंड है, वो को प्रोड्यूसर हैं गली गुलियाँ के, और अमृता खानविलकर ने मेरी वाइफ का रोल किया सत्यमेव जयते में। तो ये कमाल की बात है कि सत्यमेव जयते अभी हुई और अभी गली गुलियाँ आ रही है, दोनों के साथ में पारिवारिक संबंध है। अमृता खानविलकर बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, बहुत सुंदर हैं और बहुत ही मजाकिया हैं, बहुत ही फ्रेंडली हैं, और मैं हमेशा कहता हूँ बहुत ही सख्त मराठन है वो वो जितनी हंसती खेलती है उतनी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग भी है, वेरी वेरी स्ट्रांग, एंड विच इज़ अ ग्रेट कॉम्बिनेशन शी हैज़। अमृता ने कभी सेट वर मराठी शिकवण्याचा प्रयत्न केला का? बहुत ज्यादा, बहुत कोशिश की उसने लेकिन हमेशा फेल कर गई। एक शेवटचा प्रश्न सर विचारतो, 15 ऑगस्ट 5 दिवसांचा वीकेंड होता, सत्यमेव जयते आणि गोल्ड दोघं एकाच वेळेस रिलीज झाले आणि सगळे मित्रच आहे, म्हणजे जॉनला विचारलेलं तुम्हाला आणि असं कधीच क्लॅश मानले, उलट त्यांनी सत्यमेव जयते प्रमोट केला, तुमच्याकडनं गोल्ड प्रमोट झाला, तर दोघं सिनेमे रिलीज झाले, दोघांना चांगला रिस्पॉन्स मिळतो, फार क्वचित बघायला मिळतं, तर इट्स असं म्हणतील की खूप चांगलं आहे की दोघं सिनेमे सक्सेस होत आहेत आणि बॉलिवूडमध्येच आपण म्हणतो की सगळे एकमेकांना आपण सांभाळून घेतो त्याविषयी। देखिए अभी हमारे हिंदुस्तान में इतनी ज़्यादा पॉप्युलेशन है लेकिन थिएटर बहुत कम है, उसके हिसाब से अगर आप देखें तो हमारे हिंदुस्तान में हमारे पॉपुलेशन के हिसाब से कम तिगुने थिएटर होने चाहिए, लेकिन अभी हमारे पास थिएटर कम है, थिएटर और बनने चाहिए, वो जब बनेंगे तब बनेंगे, लेकिन हमारी इंडस्ट्री जो है वो ऐसी है कि वो हर हफ्ते बहुत सारी फिल्में बनाते हैं हम, और फिल्में रिलीज़ भी करनी है, थिएटर भी उतने ही हैं, तो क्लैश तो होंगे, वो उस क्लैश को आप अवॉइड भी नहीं कर सकते, लेकिन हमारी ऑडियंस ऐसी है कि वो एक समय में 2 अच्छी फिल्म देखने के लिए वो चली जाती है, उसको चाहिए, वो सिनेमा देखना चाहती है, वो सिनेमा और क्रिकेट हमारी ऑडियंस के लिए 2 सबसे बड़ी चीज़ है, दो बहुत ही फेवरेट चीज़ है, तो अगर 2 अच्छी फिल्में होंगी तो ऑडियंस ज़रूर जाएगी देखने के लिए। चलो थैंक यू सो मच सर एंड विश यू ऑल द बेस्ट पुढच्या सिनेमांसाठी। थैंक यू वेरी मच। व्हिडिओ जर्नलिस्ट मंगेश वाणेसह कपिल देशपांडे, झी मीडिया, मुंबई।